हेलो भाई और बहनों के इस वीडियो के अंदर हम लोग आप लोगों को बताएंगे कि आप अपने मोबाइल के अंदर थंबनेल को कैसे एडिट कर सकते हो बिल्कुल पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर। आप लोगों को कोई भी अनदर ऐप को डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा, खाली आप लोगों को पिक्सआर्ट ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा बस, और आप लोगों की कमाल की आपकी थंबनेल बन के तैयार हो जाएगी। तो भाई लोग इस थंबनेल को हम लोग बना रहे हैं, जो हम लोग की माइक वाली जो वीडियो थी, माइक की अनबॉक्सिंग वाली जो वीडियो थी हम लोग ने जो बनाया था आप लोगों के लिए, तो भाई लोग उसके रिकॉर्डिंग वीडियो है, उसके हम लोग थंबनेल आप लोगों को बता रहे हैं, ठीक है, कैसे हम लोग ने बनाया था। तो भाई लोग कुछ इस प्रकार से हम लोग ने वाइट बैकग्राउंड के अंदर PNG को ऐड किया था, जो कि साउंड वेव वाली PNG थी, ठीक है। उसको ऐड करने के बाद हम लोग ने 8-10 अपनी कमाल की खिचिक खिचिक करके फोटो क्लिक कर ली थी भाई लोग। साथ ही साथ हम लोग ने फिर एक एक फोटो को उसमें लगा के सेट भी किया था। आप लोग जैसे कि देख सकते हो, पर फोटो को हम लोग लगा के चेक किए कि भाई कैसा लग रहा है, क्या है, सीन होगा, सेट होगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि भाई लोग डाउट सबको रहता ना, मेहनत लगता भाई लोग वीडियो बनाने में, बहुत ज़्यादा मेहनत रहता है। पर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो ना यार, तो मन नहीं करता वीडियो बनाने का, पर फिर भी आपका भाई बना देता है आप लोगों के लिए। आप लोग फिर भी लाइक नहीं कर रहे हो यार, क्यों किया करो यार, मन एकदम वो हो जाता है कि भाई लाइक नहीं करते हो। 300 जन हो, 300 जन में से कम अगर डेली 100 जन भी अगर वीडियो देख रहा है, उसमें से कम 10-20 जन तो लाइक करो यार प्लीज़। 300 जन मुझे मालूम है कोई किसी का नहीं देखता यार, कम से कम मेरा लाइक तो करो। 100 जन तो देखते हो आप लोग, लाइक नहीं आते बिल्कुल भी, कम से कम लाइक करो, 30-35-40 लाइक कर दिया करो, ठीक है। तो भाई लोग ने हम लोग जब तक पिक्सआर्ट में अपनी फोटो को कट आउट कर रहे हैं, तब तक आप लोग वीडियो को लाइक तो कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, और इसको हम लोग ने फास्ट फॉरवर्ड इजीली कर दिया ताकि आप लोग को बोरियत ना हो। बिल्कुल प्यार से हम लोग ने अपने एक एक हाथ से काटा था। आप लोगों को जैसे कि मालूम होगा कि आप लोगों के मन में डाउट हो रही होगी, अरे यार इससे तो बैकग्राउंड रिमूवर बताया था जो कि एक क्लिक में बैकग्राउंड को रिमूव कर देता है। क्या होती है ना, हमारी फोटो की क्वालिटी गिर जाती है, तो क्वालिटी जब गिर जाती है ना तो मज़ा नहीं आता। वो तो मज़ा चाहिए तो भाई लोग खुद हाथ से कटआउट करेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। एक क्लिक में आप लोग निकाल सकते हो, बहुत सारी ऐप है जो मैं फ्यूचर में आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए स्टे ट्यून रहिए, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दिए वीडियो को, ठीक है। भाई लोग इस फोटो को हम लोग लगाए, ये फोटो को हम लोग को उतना ज़्यादा कुछ मज़ा नहीं देखने को मिला, मज़ा नहीं आया, तो हम लोग ने सोचा कि चलो इस फोटो को पहले तो रखते हैं, फिर अपनी दूसरी फोटो को भी हम लोग ट्राई किए, ठीक है। एंड तक आप लोग बने रहिए, वो ज़्यादा मज़ा आएगा। आप लोग जैसे कि थंबनेल देखे हो गए यार कैसे बनाए थे, आप लोगों को शेयर करूंगा इंस्टाग्राम में, आप लोग स्टे ट्यून रहिए, वहाँ पर मैं कुछ कुछ शेयर करते रहता हूँ आप लोगों को क्या क्या काम रहती है, ठीक है। और फ्रीलांसिंग से रिलेटेड कुछ भी आप लोगों को टॉपिक चाहिए कि कैसे कैसे फ्रीलांसिंग में आप लोग जुड़ सकते हो नए नए एडिटर, तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं पक्का बना दूंगा, ठीक है। तो भाई लोग हम लोग कुछ इस प्रकार से अपनी जो पहली फोटो थी उसको लगा के ट्राई किया, पर उसमें ज़्यादा कुछ हम लोग को फ़र्क देखने को नहीं मिला, तो हम लोग क्या करते हैं अपनी दूसरी फोटो की तरफ बढ़ते हैं। भाई लोग आप लोग भी ऐसे इस प्रकार से कुछ बना सकते हो, ठीक है। तो हम लोगों ने बहुत सारी फोटो को ट्राई किया, फिर हम लोग आप लोगों को लास्ट में आप लोगों को दिखाएंगे क्या अमेजिंग बनकर आई ये फोटो, ठीक है। तो भाई लोग ये फोटो भी हम लोग ट्राई किए, ये फोटो में हम लोग को मज़ा नहीं आया। और मैं आप लोगों को एक चीज़ रिकमेंड करने वाला हूँ कि अगर आप लोग थंबनेल में अपनी जो फोटो लगाओगे तो आप लोगों को बैकग्राउंड पूरी क्लीन रखनी है, वाइट रखिए, ब्लैक रखिए, ग्रीन स्क्रीन की यूज़ करिए, किसी चीज़ की भी यूज़ करिए, पर आप लोगों को अपनी जो बैकग्राउंड है उसको पूरी क्लीन रखनी है हमेशा, कभी उसमें डर्ट वगैरह रहेगा ना तो आपकी मज़ा नहीं आएगी। तो भाई लोग देखिए हम लोग की कुछ इस प्रकार से फोटो बनकर आई है। अगर इसमें आप लोगों को जरा सा भी मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें भी ना मत जाइएगा। मिलते हैं इसी की तरह और भी अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।